हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और अभी है सुबह सुबह का टाइम और अभी मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल, उसके बाद शुरू हो गया है मेरा काम। तो मैं आज यही दिखाने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, सुबह से लेके दोपहर तक का मैं क्या क्या कर रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ इस रूम को ना थोड़ा ठीक करती हूँ। और ये देखिए एकदम कैसे कैसे हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर ये जो टेबल हम लोग सामने में रखे थे ना सोफ़ा के सामने में, तो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है सामने में, क्योंकि ये टेबल ना बहुत बड़ा है। और पहले हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं था ना, तो हम लोग इसीलिए इस टेबल को लिए थे कि यहाँ पर बैठ के खाना वाना खाने के लिए, तो हम लोग इसीलिए बड़ा वाला टेबल लिए थे। तो आजकल ना ये जगह बहुत ज़्यादा घेर रहा है। और यहाँ पर क्या है ना, बच्चे लोग आते जाते रहते हैं तो लगता है उनके पैर में, और इतना ज़ोर से लगता है इस लकड़ी से। तो फिर इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको हटा देती हूँ अभी यहाँ से, फिर कोई आएगा तो वो छोटा वाला टेबल है ना वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे चाय वाय के लिए, तो वो हो जाएगा। तो मैं इसीलिए ना अभी यहाँ पे हटा दी हूँ इसको। और ये वाला जगह ना हम लोग को बैग रखने के लिए ठीक है, क्योंकि बैग रखने का जगह नहीं था हमारे पास। तो इन लोग का बैग ना इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहता था, कोई बैग यहाँ पड़ा है कोई बैग वहाँ पड़ा है। तो मैं सोची इसको इधर कर देती हूँ ताकि ये बैग वैग रखने के काम आ जाए। तो बस इसको रख दी हूँ मैं इस कोने में। और ये वाला जो चेयर है ना, ये उसका है डाइनिंग टेबल का, तो वहाँ तो जगह नहीं है अंदर रूम में, तो हम लोग इसको सामने में रखते हैं। तो इसको मैं जमा दी हूँ यहाँ पर। और सामने तरफ का जो सोफ़ा का कवर है ना, उसको भी मैं कल निकाल दी थी, हटा दी थी वहाँ से, क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया था। तो अभी मैं इस सोफ़ा का कवर और दूसरा वाला लगाऊंगी और पूरा घर टपी ठीक करती हूँ। और यहाँ पर जो पौधा रखा हुआ था ना, उसको भी मैं बाहर रख दी हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सूख सा गया था। तो अब थोड़ा सा एक दो दिन धूप में रहने दूँगी, बाहर पानी वानी डाल के रख दूँगी। और ये कवर ना मैं इस वाले का हटा दी थी, और कुछ कुछ कल हटा दी थी, कुछ कुछ अभी हटा रही हूँ। तो इसमें मैं बदल दे रही हूँ, दूसरा वाला लगा दे रही हूँ। और आज सोफ़ा भी ना बहुत गंदा सा लग रहा था, तो मैं सोची आज इसको जब मैं कवर बदल रही हूँ तो इसको भी पोंछ लेती हूँ अच्छा से। तो मैं पूरा सोफ़ा अच्छा से पोंछ ले रही हूँ, पहले अच्छा से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं साफ़ वाला कवर लगा दूँगी इसमें। और ये घर को ना पूरा थोड़ा सा ठीक करती हूँ। और एक ही जैसे देखते कि ना एकदम बोर लग जाता है, मेरे को तो लगता है, पता नहीं आप लोग को लगता है कि नहीं, पर मेरे को लग जाता है। तो मैं ना हमेशा घर का थोड़ा रंग ढंग चेंज करते ही रहती हूँ हमेशा। और मैं ना यहाँ पर रखने के लिए सोच रही हूँ आजकल जो वो आता है ना ऑनलाइन टेबल, एक अच्छा अच्छा वाला जो दिखने में ठीक रहा दिखता है, वो वाला लूँगी। लेकिन अभी नहीं लूँगी, वो 2-2.5 हज़ार का आता है, अभी नहीं लूँगी उसको, जब पैसा हो जाएगा तब लूँगी। बाद में सोच रही हूँ लूँगी, अब पता नहीं वो टेबल कितना महीना कितने साल में लेवाता है। तो फिर और ना खिड़की भी गंदा हो गया था, तो फिर मैं खिड़की को भी पोंछ ली हूँ अच्छा से, और सब तरफ पोंछ दी हूँ। ये वाला जो सोफ़ा था ना एक ठो वाला, तो उसके पीछे भी बहुत जाला वाला लगा हुआ था, तो उसको भी मैं अच्छा से पोंछ ली हूँ। और इधर का कचड़ा थोड़ा सा हटा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कवर को ठीक करके बिछा दूँगी। और अभी ना बहुत सारा काम है, पूरा काम करना है घर का। और आज मैं सोच रही हूँ फटाफट करके ना इधर का काम करने के बाद ना मैं खाना बना लूँगी जल्दी से। उसके बाद आज मेरे को बाथरूम को भी साफ़ करना है अच्छे से घिस घिस कर, क्योंकि जब भी बाथरूम को साफ़ करती हूँ ना हमेशा नीचे नीचे साफ़ करती हूँ, ऊपर दीवार को मैं बिल्कुल ज़्यादा साफ़ नहीं करती। तो उसको भी आज अच्छा से घिस के करूँगी। और ये जो खिड़की है ना, जब से ये दीवार बना है तब से 2-3 बार तो ऐसे मैं साफ़ कर ली हूँ, पर ये बहुत धूल धूल हो गया था। और इसके पीछे ना बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, पूरा सीमेंट जो पीछे दीवार बनाए थे तो गिरा था ना, तो वो पूरा सीमेंट पीछे रखाया हुआ है। तो ये सीमेंट को ना पूरा मैं हाथ से ऐसे करके निकाल रही हूँ यहाँ से, और इसको निकाल के हटाऊँगी मैं। तो ये देखिए अब थोड़ा सा साफ़ हो गया है, लेकिन और बचा ही हुआ है। तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके पूरा सीमेंट हटाई वहाँ से, क्योंकि उससे ना बहुत धूल धूल आ रहा था, अंदर लग रहा था धूल धूल एकदम ज़्यादा। और ये राड है ना, ये भी गंदा हो गया था। और इसको हम लोग ना सोच रहे हैं कि इसको निकाल के जल्दी यहाँ पे अलमारी टाइप का बनाएंगे, लेकिन वो भी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो वही मैं ना इसी में ही अपना जुगाड़ लगा लेती हूँ कुछ कुछ, जैसे छोटा छोटा चीज़ होता है ना, रुमाल, इन लोग का जुराब, बच्चों का, तो ये सब क्या है, छोटा छोटा चीज़ रहता है। और ये ना टाइम पे मिलता नहीं है, कभी इधर रहेगा कभी उधर रहेगा। तो यहाँ पे अच्छा है ना, ये बहुत सारा राट लगा हुआ है, तो इसमें ना हम लोग टांग देते हैं सबको, जैसे बच्चों का बेल्ट हो गया, या फिर इसका जेनी का हेयर बैंड, और छोटा छोटा जो भी सामान है ना, कोई सा रस्सी वस्सी रहता है, इन लोग का बेल्ट वेल्ट,
तो मैं ऐसे सबको टांग टांग के रख देती हूँ। तो ये सब क्या है, सामने दिखता है ना तो आराम से मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है और हम लोग को पता रहता है कि ये सामान यहीं मिलेगा, तो बस पर्दा हटाओ और निकाल लो। तो इसीलिए ना ये सब मैं इसी को वो कर ली हूँ। तो हम लोग को ना ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा ही लेना चाहिए हर जगह, तो मैं ये जगह क्यों फालतू ख़राब करूँ, है कि नहीं। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे, और ये छोटा छोटा कपड़ा जो कभी कभी कुछ अचानक गंदा वंदा हो जाता है, कुछ गिर जाता है ना, तो पोंछने के काम आता है, तो ये छोटा छोटा कपड़ा भी मैं यहाँ पे टांग के रख देती हूँ ऐसी, तो अचानक से मिल जाएगा ज़रूरत पड़ेगा तो। इस रूम का थोड़ा सा काम तो हो गया था मेरा, फिर मैं बना ली नाश्ता। और ये मैं बनाई थी हलवा आज, आटा और सूजी का मिला के, तो मेरे को अच्छा लगता है ये, और इसमें किशमिश डाली थी बस। तो फिर बस यही मैं नाश्ता कर ले रही हूँ यहाँ पर, फिर बाद में मेरे को भूख लग जाएगा, इसलिए मैं सोची अब कर लेती हूँ, क्योंकि अब टाइम भी हो गया, अभी 8:30 या 9 बज रहा है, टाइम तो नहीं दिखी, मैं 8:30 हुआ है अभी। तो बस आज हम लोग जल्दी उठ गए थे 5 बजे से, और तब से उठ के लगे हैं अपने काम में, फिर बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बना के दिए, उन लोग को तैयार किए, फिर उन लोग गए स्कूल, और यहाँ पर आ गई है अभी टिकुंची, पानी पी रही है, तो यहाँ पर बैठ के खा रही थी ये बिस्कुट अपना। तो उसके बाद ना मैं आ गई हूँ सामने रूम का करके काम, तो अभी और कुछ कुछ काम बचा है वहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि उसको करने से पहले ना इधर कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि ये देखिए कपड़ों का ढेर लगा है। और कल ना मेरा तबीयत अचानक से ख़राब हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, तो मैं कल ना कुछ भी काम नहीं कर पाई थी घर का, बस ज़रूरी ज़रूरी काम करी थी, खाना वाना बनाना और ये सब कपड़ा वपड़ा इधर उधर, मैं कुछ भी ठीक नहीं करी थी। तो वो सब ना कल का काम और आज का काम मिलके इतना बढ़ गया है, 2 दिन का काम मिलके ना एकदम बढ़ गया है। तो इसीलिए आज सबेरे से उठ के लगी हुई हूँ मैं काम में, अभी तो ठीक लग रहा है, अभी ऐसे ठीक हूँ मैं, पर मेरा कोई भरोसा नहीं रहता ना, अचानक से पता नहीं क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है कि हाई होता है, ऐसे कुछ तो होता है, तो फिर एकदम लस्त हो जाती हूँ मैं। और मेरे को खाना भी फिर टाइम से चाहिए रहता है, अगर खाना भी टाइम से नहीं खा पाती ना तो उससे भी एकदम कमजोरी लगता है। तो यहाँ पर ना मसाला का पैकेट रखा हुआ था, जो छोटा छोटा पैकेट है, और ये अलग अलग रखा हुआ था खुला खुला, तो मैं ना इसको एक डब्बा दिखा मेरे को, तो मैं उसमें डाल के रख दे रही हूँ, तो इसमें तो आधा ही मसाला आएगा, तो फिर मैं इसको बस आधा रख दे रही हूँ। और ये वाले मसाला में ना कलर कलर दिख रहा था, पीला पीला टाइप का, पता नहीं, तो मैं भी सोच रही थी क्या कलर है ये। तो यहाँ पर ना आई थी अभी आंटी आई है, तो अभी वो अपना झाड़ू पोछा और बर्तन कर लेगी, जब तक मैं पूरा घर साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी देख ले रही हूँ कुछ कुछ ऐसी रखा रखाया है क्या क्या, थोड़ा थोड़ा अलग अलग, तो मैं सबको देख देख के ना उसके उसके जगह पे रख दूँगी। और इस वाले बास्केट में ना मैं ये सीसी को डाल दूँगी, क्या बोलते हैं ये, पानी बॉटल और तेल का बॉटल। तो अब ये जम गया है आराम से, और ये सॉक्स को ना मैं अच्छा से पोंछूँगी पहले, इसको क्या करते हैं ना जैनी लोग निकालते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, तो आजकल यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े आ जा रहे हैं, पता चल रहा है इसी से ही आ रहे हैं। तो मैं उसको अच्छा से पोंछ ली हूँ और उसको पोंछ के फ्रिज में रख दी हूँ। और ये देखिए, अब मेरे को रबड़ चाहिए था ना, मेरे को आसानी से मिल गया इस डब्बे में, मेरे को पता है कि रबड़ कहाँ रहता है, तो ऐसे कुछ कुछ रख लो ना तो हो जाता है। तो इसके पापा लेके आए थे यहाँ पे शक्कर, तो मैं शक्कर को और सबको अपने इसके जगह पे रख देती हूँ, यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ मेरे को क्या काम करना है। उसके बाद ना मैं सामने रूम में जाऊँगी, वहाँ को थोड़ा और ठीक करना है। तो अभी तो पहले मैं किचन को ही साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद जब तक ना मेरा कपड़ा धुल रहा है इधर, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना ये सब काम करने के बाद। तो इसको भी मैं फटाफट पोछ वोछ के साफ कर ले रही हूँ। तो बस बच्चों के जाने के बाद ना यही चलता है घर में हमारा, और कोई कोई बोलते हैं ना ये घर में रह रहे के क्या करती है, ये कुछ काम नहीं करती है। कई जन से ऐसा सुनी हूँ मैं, घर में घर के लोग काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बाहर से कोई थोड़ी ना आता है काम करने के लिए, जिसका घर है वही तो सब अपना अपना काम अपने घर वाले ही करते हैं।
तो ये देखिए, और ये पौधा ना मैं अंदर में रखी थी, लेकिन मैं इसको पानी डालूंगी करके यहाँ पे लेके आई थी कल। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट किचन साफ़ करके मैं सोच रही हूँ पहले खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं चावल चढ़ा दी हूँ और दाल चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पर आलू फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए, अब मेरा कपड़ा भी धुल गया है, तो मैं इसको निचोड़ने के लिए डाल देती हूँ। बाकी सब निकाल के रख दी हूँ। और वीडियो कैसे लगता है बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना। और यहाँ पर ना बस मैं फटाफट ये सब बना रही हूँ, उसके बाद वही मेरा काम है असली वाला आज तो उसी को करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, फिर देरी हो जाएगा ना तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ मैं सोच रही हूँ 12 बजे के अंदर हो जाए मेरा काम तो ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं थक जाती हूँ। उसके बाद मेरे को टाइम चाहिए रहता है आराम करने के लिए। तो यहाँ पर ना झाड़ू पोछा सब कुछ लग गया था, तो घर हो गया था साफ़ सुथरा। तो मैं सोची आज इसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। और ये पौधा भी बाहर बाहर में रखाया हुआ था, तो ये देखिए मैं इस पौधे को रख दी हूँ यहाँ पर ला के। और एक ये पौधा है, तो मैं इसको यहीं पर ही रखती हूँ। और इसमें ना कुछ कुछ छोटा छोटा सूखा सूखा पत्ता था, तो मैं उसको तोड़ ले रही हूँ। और एक पौधा को ना मैं इधर रख दी हूँ लाके। तो ये देखिए, अब मैं टेबल यहाँ से हटा दी हूँ ना, और यहाँ पर मैं बिछा दी हूँ एक कारपेट। तो ये देखिए अब हमारा रूम कैसे लग रहा है। तो इधर रख दी हूँ मैं इस टेबल को, और ये वाला गमला ना खाली गमला अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको ला के रख दी। तो अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, तो पहले मैं सोच रही हूँ बाथरूम का ना पूरा सामान हटा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा घिस घिस के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर ना जाला वाला भी हो गया था, तो मैं सामान हटा ली। उसके बाद पहले ना सब तरफ झाड़ू मारी हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अब इसको थोड़ा सा अच्छे से घिस लूँगी, या ना ये ऊपर वाला टाइल्स है ना दीवार का, उसको भी पूरा अच्छे से साफ करूँगी। और ये सब को जब ये सब साफ़ हो जाएगा ना, तो धोने के बाद फिर मैं बाल्टी बाल्टी को भी धोऊँगी। पहले पूरा बाथरूम धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाल्टी बाल्टी को भी मांज के रखूँगी। और मैं इसको ना धो रही हूँ सोडा से और गर्म पानी में मिला के, और सरफ डाली हूँ और विनीगर डाली थी थोड़ा सा बस। तो ये बस उतना मैं साफ हो गया था। लेकिन ये दे ये जो सनल के सामने में काला काला लगा है ना, वो पता नहीं किस चीज़ का दाग है, वो निकला नहीं, मैं उसको बहुत घिसी हूँ पर नहीं निकला। असल में इस दीवार में ना पानी आता है, तो इसीलिए पता नहीं। तो अब मैं बाथरूम को तो पूरा साफ़ कर ली थी अच्छा से, और उसके बाद अब मैं मांज लेती हूँ यहाँ पर बाल्टियों को, मग्गा को। उसके बाद बस एक बार झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद नहा लूँगी, फिर हो गया मेरा काम ख़त्म। उसके बाद ना नहाने के बाद मैं खाऊँगी तुरंत खाना जाके। उसके बाद मेरा काम थोड़ा सा बचे रहेगा, वो चाय वाला बर्तन रखा है सिंक में, वो मांजना है। और वही सिंक में ना फिर बर्तन रखा हुआ है, बस वो बर्तन मैं कर लूँगी उसके बाद। अच्छा हाँ, बस वही दो काम बचा है मेरा, कपड़ा और बर्तन का। तो मैं वो थोड़ा देर खाना वाना खाने के बाद फिर बर्तन हो जाएगा ना, तो एक ही बार उसको करके रख दूँगी। तो बस फिर दोपहर का काम ख़त्म। लेकिन फिर अभी बच्चे लोग आ जाएंगे ना स्कूल से, तो फिर उसके बाद फिर से मेरा काम चालू हो जाएगा, उन लोगों को खाना देना, फिर से उनका बर्तन हो जाएगा। तो बस यही चलते रहता है दिन भर। तो ये सब धुल गया था, और अब ये मैं बस यहाँ पर झाड़ू मार दे रही हूँ अच्छा से। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ध्यान रखना अपना, खुश रहना। बाय बाय।